नज़दीक गुरुकुल दलहेड़ी के यहाँ पर आदरणीय श्री रोहित शास्त्री जी आचार्य जी के नेतृत्व में बच्चों ने कुछ विशेष व्यायामों का अभ्यास किया है। तो एक बार इनका, रोहित शास्त्री जी का और वैदिक गुरुकुल दलहेड़ी के सभी बच्चों का एक बार जोरदार अभिनंदन कीजिए। प्रथम तो जमीन पर ही आसन करना आसान नहीं होता है, इसमें टांग फंसा के चिकने रस्से में उसमें आसन करना, इसके लिए काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और नीचे भी अच्छा, बड़े कठिन कठिन आसन कर रहे हैं बच्चे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। पूर्ण वृश्चिक आसन, बच्चा मस्तक पर दीपक रख करके कठिन आसन कर रहा है, तो नीचे बोतलों के ऊपर। पूरे शरीर का संतुलन करना, और शरीर को इसने निकाल दिया और दो बच्चे लगे हुए। एक बार इन बच्चों का जोरदार करतल ध्वनि द्वारा अभिनंदन है। और भी करते रहिए, नीचे ऊपर सब कठिन कठिन आसन। और हमारे, जैसे मैंने सुबह आह्वान किया था कि हमारे मुस्लिम समाज के भाई बहनों को भी जो योग एक स्वास्थ्य की विद्या है, जिसे में हेल्थ और इटर्नल पीस मिलता है, तो हमारे मुस्लिम समाज के भाइयों का भी एक बार जोरदार अभिनंदन कीजिए। ये भी बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ बहुत प्रेम से आए हैं, हमारे प्रति भी इनका बहुत प्रेम है। और हमारे बहुत से मुस्लिम कार्यकर्ता भाई बहन पतंजलि के साथ भी जुड़े हैं, भाई अजय गुप्ता जी के साथ, गुप्ता परिवार के साथ भी जुड़े हैं। बच्चों ने ये कठिन कठिन आसन अलग अलग परिस्थितियों में चलिए बहुत बहुत अभिनंदन इन बच्चों का जो दीपक के साथ भी योग किया। गुप्ता परिवार की तरफ से वैदिक गुरुकुल दलहेड़ी के इन बच्चों के लिए जो माताजी हैं, अजय, अतुल और अचला जी की जो माता जी, अनिल जी की भी, अब वो सासू माता नहीं, माता ही है वो, इन बच्चों के लिए 1,00,000 रुपए का इनको पुरस्कार दे रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन इन सब बच्चों का। ये बच्चे संस्कारों के साथ शिक्षा लेते हैं, ऐसे बच्चों को सुबह सुबह 20-25 मिनट भी आसन कर लेते हैं, तो ये बच्चों के आरोग्य के लिए और उनके आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ऐसे तो बहुत तरह के आसन इनको हर रोज 1 घंटा योगाभ्यास कराया जाता है गुरुकुलों में। ये रस्ते वाला भी लड़का बहुत मजबूत है, ये चिकना रस्ता है, इसमें इस तरह से पैरों को फंसा के और कठिन आसन करना उसमें लगा हुआ है। नीचे भी कठिन आसन कर रहे हैं, एक बार जोरदार इनके लिए अभिनंदन है। ऐसे छोटे बच्चों को आप कठिन आसन करवा सकते हैं, और बड़े बच्चे सूर्य नमस्कार कर लें, शीर्षासन कर लें, मयूरासन कर लें, वह भी उनके लिए बड़ा उपयोगी होता है।
और बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए तो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन सबको करना ही चाहिए। तो ये कठिन आसन रस्ते के ऊपर जमीन पर बच्चे कर रहे हैं। ये 3 दिनों का योग का अनुष्ठान जो चल रहा है, इसमें हमारे पुलिस और प्रशासन की ओर से भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो एक बार पुलिस और प्रशासन के लिए भी जोरदार अभिनंदन है। और हमारे मीडिया ने, जैसे मैंने पहले ही दिन कहा था, हमारे इस अनुष्ठान में 30 वर्षों का साथ है हमारे मीडिया का। और जब हम हरिद्वार में आए 25 साल पहले, तब से अमर उजाला इस योग के उजाले को फैलाने के लिए, दैनिक जागरण का भी योग जागरण के लिए, हिंदुस्तान का इस करोड़ों वर्ष पुराने हिंदुस्तान की इस तहजीब को, इस हमारे पुरखों की इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, हम अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान का एक बार जोरदार अभिनंदन करते हैं इस योग को जन आंदोलन बनाने के लिए। विश्व मानव, पंजाब केसरी, आवाम हिंदी, दैनिक पश्चिमांचल दर्शन, साहा टाइम्स, योग रिपोर्ट और रंगीला समाचार, और साथ ही यहाँ के लोकल जो स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका, जर्नलिस्ट, इन्वेंशन न्यूज, द वेडनेसडे न्यूज आदि, यहाँ के अलग अलग जो अखबार हैं, मीडिया है, उसने भी बहुत बड़ा योगदान दिया। तो एक बार जोरदार अभिनंदन मीडिया का भी और इन बच्चों का भी। तो शास्त्री जी का और बच्चों का, एक बार रोहित जी का, सबका एक बार जोरदार अभिनंदन है। और हमारे ऋषिपाल जी और हमारे नरेश जी, जो हमारे 30-25 साल पुराने शिष्य हैं, वो कह रहे माता जी का धन्यवाद दे दो गुरुकुल के लिए, 1,00,000 रुपए का दान देने के लिए। तो माता जी से तो और भी दान दिला देंगे। एक बार जोरदार अभिनंदन है माता जी का भी और गुरुकुल के इन सब बच्चों का भी, नरेश जी का भी। और ऋषिपाल आर्य जी, जो आर्य मिष्ठान भंडार के नाम से शुद्ध मिठाइयाँ बनाते हैं, जब से हमारे शिष्य बने हैं तो इन्होंने प्रण ले लिया कि हमको एक बूंद भी मिलावट नहीं करना दूध में, और बढ़िया दूध भी पिलाते हैं और मिठाई भी खिलाते हैं। हमको भी खिलाई थी पहले दिन जब आए थे, फिर सबको भी खिलाए। बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। कुछ कह रही हैं श्रीदेवी जी। इस देश पर निछावर करने वाले परिवार की सम्मानित बहन मनजीत कौर को माला पहना कर उनका सम्मान करें। इसके साथ ही मनजीत कौर जी का अभिनंदन हो रहा है, एक बार जोरदार अभिनंदन है। आदरणीय बहन हमारी प्रेरणा स्रोत आदरणीय सीमा जौहर जी और बहन नीलम चौधरी जी, इन बहन का शॉल उड़ाकर का सम्मानित करेंगी इन बहन को आदरणीय बहन सीमा। और ये मंच परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में समर्पित करती हूँ, जो अपने पावन आशीषों से हमें अनुग्रहित करेंगे। परम पूज्य श्री श्रद्धेय स्वामी जी को पुनः हृदय से कोट सह वंदन नमन ओम। हमारे पूरे देश में लाखों बहनें हैं जो इस योग यज्ञ में अपनी सेवाएं दे रही हैं, और हमारी मुख्य केंद्रीय प्रभारी बहुत ही विदुषी, श्रद्धामयी, साध्वी देवप्रिया जी, जो पहले डॉक्टर आचार्य सुमना जी हुआ करती थी, उन्होंने भी अपना पूरा जीवन इस सेवा में अर्पित किया। भाई आदरणीय राकेश जी और सभी हमारे राज्य प्रभारी भाई सुनील शास्त्री जी आदि, सब भी बहुत प्रामाणिकता से सेवा दे रहे हैं। तो भाई राकेश जी आदि के लिए और भाई सुनील शास्त्री आदि के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन है, जिन्होंने पूरा जीवन इस यज्ञ के लिए समर्पित किया हुआ है। आइए अब हम योग का विधिवत प्रारंभ करते हैं। योग, हम इसमें 2 तरह की विधियाँ हैं, एक तो प्राणायाम है, ध्यान है, और दूसरे आसन है। तो थोड़ी क्रियाएं तो आपको हम पहले करवा देते हैं, और उसके साथ साथ फिर कुछ क्रियाएं हम बाद में कराएंगे। तो जो सबसे इजी क्रियाएं हैं, देखो सीधे बैठो, 5 क्रिया तो सब कर सकते हैं, जिसमें कोई विशेष बल नहीं लगता। आज
हमने बच्चों को और महिलाओं को विशेष करके बुलाया, क्योंकि यदि यह हमारे दो वर्ग ठीक हो गए, हमारे देश के बच्चे जो हमारा भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है, और हमारी माँ बहन बेटियाँ, वो जैसे संस्कार परिवार में डालेंगी, जैसी आदतें परिवार में डालेंगी, जिस तरह से परिवार को आगे लेकर के चलेंगी, वैसे ही हमारा परिवार चलेगा और आगे बढ़ेगा। तो सब सीधे बैठ करके यहाँ से शुरू करो, बस श्री का ऐसे लंबा श्वास लेना और छोड़ना। मुस्लिम भाई भी हैं या बहनें भी हैं, जवान भी हैं, विद्यार्थी हैं, यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, देखो स्टूडेंट्स के लिए भी जरूरी है कि उनके ब्रेन को ऑक्सीजन पूरा मिले। हम जो भी खाना खाते हैं, आपको एक बहुत बड़ा रहस्य और तथ्य, एक साइंटिफिक ट्रूथ बताता हूं, 80% हमारा खाना हमारे दिमाग को लगता है और 20% से पूरा शरीर चलता है। और ब्रेन के लिए सबसे अच्छा होता है दूध, घी, बादाम, अखरोट आदि खाने में, जो चिकनी चीजें, और उससे भी ज्यादा ब्रेन को चाहिए ऑक्सीजन। ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन पूरा मिले तो हर एक बच्चा, हर एक स्त्री पुरुष, वो अपने आप में बहुत जीनियस है, सुपर इंटेलिजेंट है, बशर्ते ब्रेन के बिलियन नहीं ट्रिलियन सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, इनको ऑक्सीजन यदि पूरा मिलेगा तो आपकी याददाश्त बहुत अच्छी रहेगी, बच्चों के लिए मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी, जो आप याद करेंगे वो याद हो जाएगा और भूलेंगे नहीं आप, नहीं तो एग्जाम के समय बच्चे भूल जाते हैं। ऐसा अनुमान करते हैं जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जो बॉडी और ब्रेन के बारे में, ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मानवीय अस्तित्व के बारे में बड़ी खोजें करते रहते हैं, वो कहते हैं सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल है हमारा ये ब्रेन। 1,00,000 पुस्तकों को हम याद कर सकते हैं अपने दिमाग में। हमारे बच्चे हैं गुरुकुलों में, हम जिनको पढ़ाते हैं, 1,00,000 सूत्र और मंत्र फार्मूले वो सब याद कर लेते हैं, इतना तेज दिमाग होता है योग करने से। ऐसे आराम आराम से, मध्यम गति से या तीव्र गति से, जो यंग है ना वो ऐसे जोर से कर सकते हैं। अभी 2 मिनट में तो नाक गर्म हो जाते हैं, करके देखोगे तो पता लगेगा पूरा अंदर से गर्मी आने लगती है, नथुने पूरे नॉस्टल्स में जैसे फायर होने लगता है ना, ऐसी तेज गर्मी आ जाएगी। जिंदगी में कभी सर्दी, जुकाम, काफ, एलर्जी, दो समस्याएं बड़ी है, एलर्जी धूल धुएं मिट्टी से, एलर्जी मौसम से, एलर्जी, एलर्जी की बहुत बड़ी समस्या हो रखी है आजकल। एलर्जी के लिए कोई दवाई नहीं है पूरी दुनिया में। योग से एनर्जी बढ़ाओ, एलर्जी मिटाओ। 100 साल तक आपको सर्दी, जुकाम, काफ, एलर्जी, नजला, कुछ नहीं होगा, और ये तो एक लाभ है। कैंसर नहीं होगा आपको, कैंसर के बहुत कारण है। कैंसर का एक कारण तो बीड़ी, सिगरेट, शराब है, दूसरा कारण पोल्यूशन है, तीसरा आजकल जेनेटिकली होने लग गया है, चौथा खान पान में जितना भी आप साग सब्जियां फल आदि खाते हो, 99% आजकल यूरिया, डीएपी आदि डालने लग गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो हथियार बच गए थे, बारूद बच गए थे, उन सबके ये केमिकल्स बनाए गए थे खेती में डालने के लिए। वो सारे केमिकल्स, वो सारे हथियार, वो सारे गोले बारूद
वो आलू मटर टमाटर के रूप में दूसरे गोले आ गए आपके पास, आप उनको खाते हो और उससे आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गया है, ऑक्सीजन आपके अंदर ज्यादा जाएगा तो आपको कैंसर नहीं होगा। कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। ये मैंने सुबह भी कहा था कि जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल में भी जब हमने पूरा ये सिद्ध कर दिया प्राणायाम से कैंसर अच्छा होता, तो उन्होंने भी सोचा भाई हम भी देखते क्या होता है। तो उन्होंने कैंसर के सेल लिए, अलग अलग प्रकार के कैंसर के सेल्स को लेकर के उनको ग्रो करते हैं टिश्यू कल्चर से। जैसे आजकल खेती में टिश्यू कल्चर आ गया, ऐसे बीमारियों में किसी भी जैसे टीबी के, कैंसर के, किसी भी बीमारी के जीवाणु ले लेते हैं, उनको बहुत बढ़ाते हैं, फिर उनके ऊपर अलग अलग केमिकल सॉल्ट हार्मोन्स उनके फिर उनको डालते हैं उनके ऊपर। कैंसर के जीवाणु लिए, उनको ऑक्सीजन दिया गया, वो कैंसर सेल्स खत्म हो गए। इसलिए जो प्राणायाम करता है उसको पहली बात तो कैंसर नहीं होगा, और यदि हो गया किसी को फेफड़े का कैंसर, किसी को लंग का कैंसर, किसी को लिवर किडनी ब्रेन का कैंसर, ब्लड का कैंसर था, तो ऐसे सैकड़ों रोगियों के एविडेंस प्रूफ हमारे पास में है कि प्राणायाम करके हमने लोगों का कैंसर भी ठीक किया है। ये हमारे पास में पूरे डॉक्यूमेंट है, ये लाभ है इसका। नॉर्मल ब्रीदिंग में 500 ml ऑक्सीजन अंदर जाता है, डीप ब्रीदिंग में 5000 से 10000 ml ऑक्सीजन अंदर जाता है। ऐसे और जो जवान है मैंने बता ही दिया, वो तेज कर लेना ऐसे। मैं तो 5 मिनट कर लेता हूं ऐसे सर्दी में। दिसंबर में भी मेरे माथे पर पसीना आ जाता है, मैं गर्म कपड़े नहीं ओढ़ता, स्वेटर रजाई ये गर्म कपड़े नहीं पहनता। क्यों? भीतर की गर्मी इतनी है, वही नहीं झेलती। भीतर है गर्मी, जिसकी भीतर की गर्मी खत्म हो जाए। हमारा एक साथी था गुरुकुल में, 3-3 रजाई ओढ़ा करता, उसमें भी धुज्जा करता, कांपा करता। भीतर की जिसकी गर्मी खत्म हो गई, बाहर की गर्मी कुछ नहीं करती। भीतर है गर्मी, भीतर है ताकत, भीतर है नॉलेज, भीतर है पीस, भीतर है शांति, भीतर है ज्ञान मस्तिष्क में, और वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड इमोशंस लव कंपैशन, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, अनलिमिटेड पीस पावर, ये सब अंदर है। लेकिन कैसी है? साइलेंट है। सारी चीजें अंदर हैं, सारा टैलेंट अंदर है, लेकिन कैसा है बोलो, जोर से बोलो, साइलेंट है। उस साइलेंट को एक्टिवेट करने के लिए डिफरेंट प्रकार के सब प्रोसीजर्स हैं। अब ये करो, देखो ये दूसरा प्रोसीजर है, पहले भरा छोड़ा, अब क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, श्वास को बाहर छोड़ दिया, लय के साथ करो। ये एक विधि लगातार करो, लय के साथ करना, रुकना नहीं है। अभी ऐसे करोगे ना तो देखो, ये मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक, ये शरीर विज्ञान में योग एक अपने आप में बहुत बड़ा साइंस है, योगिक साइंस, ये मेडिकल साइंस से भी ऊपर का है। देखो ऐसे नीचे से देखो, राइट साइड में लीवर, लेफ्ट साइड में स्प्लीन, फिर बीच में इंटेस्टाइन, इधर है पेनक्रियास। देखो ये पूरा शरीर विज्ञान समझा रहा हूं आपको, लीवर स्प्लीन इंटेस्टाइन पेनक्रियास, अंदर है किडनी, अंदर डीप में जाकर के ना, यहां पीछे लगी हुई है किडनी, पुरुषों का प्रोस्टेट, मातो बहनों का यूट्रस ओवरी, पुरुषों के टेस्टिकल्स, इससे अच्छे हो जाते हैं।
टेस्टिकल्स अच्छे होंगे तो क्या फायदा होगा? उससे आपको किसी भी मर्द को नामर्दी की बीमारी नहीं होगी। कितनी दवाइयां खाते हैं लोग ताकत के लिए, कपालभाति करो, किसी को कोई नामर्दानगी की बीमारी नहीं होगी। लेडीज को ओवम पूरा बनेगा, पुरुषों को स्पर्म पूरा बनेगा। इससे टेस्टिकल्स अच्छे होते हैं, इससे यूट्रस ओवरी ये अच्छे होते हैं, इससे प्रोस्टेट अच्छे होते हैं, इससे किडनी के अंदर स्टोन नहीं बनेगा, गाल स्टोन नहीं बनेगा। ये इससे किडनी स्टोन गाल स्टोन दोनों नहीं बनेंगे, और छोटे मोटे बन भी गए तो खत निकल जाते हैं, ये हमारा एक्सपीरियंस है। और इससे फिलिपियन टू बंद है तो खुल जाती है लेडीज को। महावारी की कोई भी दिक्कत माताएं 99% बताती नहीं है, उनको मेंस्ट्रुएशन का महावारी का प्रॉब्लम होता है, लिकोरिया का सफेद पानी की दिक्कत होती है, व्हाइट डिस्चार्ज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लिकोरिया, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर। फिर जब बंद होता है तो मेनोपोज, उससे हार्मोनल इम्बैलेंस, फिर उसके लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पर जाते हैं, उससे कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। कपालभाति से लेडीज की कोई समस्या नहीं होगी। ये माताओं बहनों के जिस कहते हैं ना अंदरूनी रोग, माताओं बहनों को तीन समस्याएं बड़ी होती हैं, एक तो महावारी की समस्या, दूसरा माँ बहनों को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है तो खून की कमी। कपालभाति से महावारी की समस्या, खून की कमी, उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी आयरन की, डेफिशिएंसी विटामिन्स की, न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, विटामिन डी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, उसके लिए गोलियां खानी पड़ती हैं। फिर माताओं बहनों कैल्शियम की गोली, आयरन की गोली, विटामिन डी विटामिन बी 12 की गोलियां इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। कपाल भाती करने वाले का मैंने सुबह भी पूछा था, बहनों का भी हीमोग्लोबिन 15, भाइयों का 16-17-18 तक, मेरा एक भाई का तो 22 तक हो गया था, प्राणायाम से कम भी हो जाता बढ़ गया हो तो वो भी बीमारी है, सुबह बोल रहा था। इससे मेरा हीमोग्लोबिन 25 सालों से 17.5 है, 25 इयर्स से 17.5, और मैं कम से कम एक से दो बार साल में ब्लड डोनेट करता हूं, रक्तदान करता हूं, और मैंने 20 साल तक तो खाना नहीं खाया। कुछ लोग तो सुबह से शाम तक दो दो तीन तीन किलो राशन खा जाते हैं और फिर भी कहते हैं बाबा जी कमजोरी है। मैंने कहा सारे पड़ोसियों तक का तो खा गया, अब भी कमजोरी है। कपाल भाती थोड़ा सा, मैं शाक सब्जी और एक गिलास दूध या एक कटोरी दही बस इतना ही खाता था, अभी भी ना के बराबर खाता हूं। एक टाइम शाम को एक दूध पी लेता हूं, थोड़ा फल ले लेता हूं, या मुरब्बा ले लिया आंवले का और दूध ले लिया, और एकदम मस्त रहता हूं, 18 घंटे काम करता हूं और कभी थकता नहीं हूं और कभी निराश नहीं होता हूं। मेरे दिमाग में नेगेटिव विचार ही नहीं आते। सुन लो बच्चा एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, पहले माताओं बहनों वाली बात मैं बताऊंगा। मैं एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ हूं, मेरे माता पिता दोनों अनपढ़ हैं, सिग्नेचर भी करना नहीं आता है, किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ, खेती की है मैंने, सारी खेती बाड़ी आती है मुझे, गेहूं से लेकर के गन्ना से लेकर के, गन्ना वानी होता था, गन्ना यहाँ करना सीख लिया हरिद्वार में आकर के। मैं राजस्थान के बॉर्डर पे पैदा हुआ एक छोटे से गांव में, तो अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, बाद में गुरुकुल में पढ़ा, मैं बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ा हूँ लेकिन आज बड़े स्कूलों वालों को पढ़ाता हूँ, बिजनेस स्कूल वालों को पढ़ाता हूँ, डॉक्टरों को पढ़ाता हूँ, और दुनिया के बड़े स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, भारत के IIM और IIT और बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज वाले जो नहीं कर सके, जो ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड कैम्ब्रिज स्टैनफोर्ड वाले नहीं कर सके, वो काम हमने दुनिया में करके दिखाया है। ये योग का लाभ है। योग करने से एक तो आपका शरीर इतना तंदुरुस्त हो जाता है, एक बात मुझे बचपन में पैरालिसिस हुआ था लेफ्ट साइड में पूरा, मुंह का लकवा, फिर शरीर पर सर आ गया था इसका पूरा, टांगे मेरी इतनी कमजोर थी कि चलता था तो घुटने मिला करते थे, गिर जाता था,
पेट मेरा इतना मोटा सा था, मुझे पेटल पेटल कह के सब चिढ़ाते थे। और भी बहुत तकलीफें हुई बचपन में, ऊपर से गिर गया 2 मंजिला मकान से, नीचे की तरफ झा कर आया था, पीछे से पैर उठ गए, 7 टांके आए थे, फट गया था माथा। मैंने योग किया। योग करने के क्या क्या फायदे हैं बच्चों के लिए बता रहा हूं। योग करने वाले का शरीर कमजोर नहीं रहता, बॉडी स्ट्रांग बनेगी। देखो मैं कोई जिम नहीं जाता हूं, लेकिन जिम वाले से अच्छे मसल्स हैं मेरे। मसल्स भी अच्छे हैं, छाती भी, सीना उभरा हुआ, पेट सिकुड़ा हुआ, इतना पेट ऐसे रहना चाहिए, पेट इतना अच्छा होना चाहिए। देखो ऐसे बैठो पद्मासन में, ऐसे बैठ के और तुम्हारे हाथों में ऐसे पकड़ में आ जाएं तुम्हारे पैर, तो समझ लो कि तुम्हारी बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा है। हमारे कुछ मुस्लिम बच्चे भी कोशिश कर रहे हैं ऐसे, इतना बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। और मैंने तो अपने पेट को भी इतना साध लिया है, मैं बचपन में एक दिन ऐसे करने लगा, मेरे से हो गया, मैं छोटा ही था तब 14-15 साल का, ऐसे किया और करके मैंने ऐसे सुना कि पेट को घुमाते हैं तो नोली हो जाती है ऐसे। अब इतना कंट्रोल तो आने में थोड़ा वक्त लगेगा, याद रखना बच्चों, बच्चों के लिए बोल रहा हूं, जो बच्चे योग करेंगे उनकी बॉडी स्ट्रांग होगी, एक बात। दूसरा, इससे भी बड़ी बात, अरे बॉडी स्ट्रांग तो भैंसे की भी होती है, झोटे की भी होती है, खाली शरीर झोटे जैसा बनाने से फायदा नहीं है। बॉडी स्ट्रांग होने के साथ साथ ब्रेन बहुत सुपर इंटेलिजेंट, दिमाग बहुत तेज हो जाता है योग से। देखो आसन भी बताएंगे बच्चों के लिए, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, ये 3 आसन जिनके करने से दिमाग बहुत तेज हो जाता है। लेकिन एक और प्राणायाम, एक कपाल भाती बता रहा था ना, ये सीधे बैठो अनुलोम विलोम, इससे दिमाग बहुत तेज हो जाता है। मैं हमेशा फिटनेस में भी नंबर 1 रहा, स्टडी में भी नंबर 1, क्लास में ही नहीं जो स्टडी में पढ़ता था उसमें देश में नंबर 1 था। अष्टाध्यायी महाभाष्य हमारी पढ़ाई होती है, उसमें व्याकरण ग्रामर होता है, उसमें आयुर्वेद होता है, दर्शन शास्त्र होता है, वेद शास्त्रों का अध्ययन होता है। देखो ऐसे तुम स्टडी में रहोगे नंबर 1, ब्रेन बहुत शार्प हो जाएगा, कभी स्ट्रेस नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, कभी तुम्हारे जीवन में निराशा नहीं आएगी। देखो ये माताओं बहनों की भी एक बड़ी समस्या है, सिर में दर्द, माइग्रेन पेन, वो इससे खत्म हो जाता है। करो सब ऐसे, पहले उंगली ऐसे लगाई, ऐसे, ये बहुत जबरदस्त।